नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 25 अगस्त सन 2021 को छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो प्रतिभागी हैं वो आंदोलन करने वाले हैं घड़ी चौक के पास फिर से एक बार। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब के सब जरूर इस आंदोलन में जुड़िए, जो जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म भरे हुए हैं वो। नहीं तो आपके सामने दो ही चीज़ होगा, छत्तीसगढ़ में रोजगार का दूसरा साधन वो जो आपको दिख रहा है गोबर, ठीक है, या तो गोबर बेचने के लिए तैयार हो या तो फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो जो फॉर्म भरे हो वहाँ जा करके आंदोलन करो। क्योंकि आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ, जब पहली बार सब घड़ी चौक के पास उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके कुछ दिन के अंदर ही राजपत्र में सब इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित कुछ नियमावली जारी किया गया था। अगर आप सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो हो उसका भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 25 अगस्त को एसआई भर्ती के जो प्रतिभागी हैं जो आंदोलन करने वाले हैं उसमें आप सभी जरूर जुड़िए, ठीक है। एक भाई का वीडियो है, पहले उसको देख लेते हैं हम सभी। 25 अगस्त 2021 को हम सभी जिलों के अभ्यर्थी रायपुर घड़ी चौक में जमा होकर एक बार फिर से भिक्षावृत्ति करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार अन्याय कर रही है। 3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए पर अभी तक भर्ती का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा, जो मैक्सिमम प्रतिभागी जो हैं वो इसमें आने वाले हैं हर जिले से, जो अगर आप भी जरूर आइए और सरकार पर ये जो दबाव बनाइए, क्योंकि अगर आप सभी सरकार पर दबाव बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो पिछले 3 सालों से अटका हुआ है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। और एक चीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेगा जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पता चले कि हाँ, जो प्रतिभागी हैं वो सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो प्रतिभागी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। और एक चीज़, आप लोग उनका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के उनके साथ आप जुड़ भी सकते हैं। और एक चीज़ आप सभी को अंत में बोलूँगा, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। मतलब कई लोग आप लोगों को डिमोटिवेट भी करेंगे कि इसको करने से कुछ नहीं होगा, ये वो करके, उनके झांसे मत आना। आप अपना कर्म करिए, आपका काम है, अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, आवाज़ जरूर उठाइए। वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद। और एक चीज़, आंदोलन नहीं किए तो गोबर के लिए तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शेयर जरूर करिएगा।